सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओईएस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं है, सही तरीके से पता नहीं है, जिसमें से सबसे ज्यादा एक मेन क्वेश्चन आता है हमारा ओईएस एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप एप सेटिंग के अंदर जाते हैं, अपनी प्रोफाइल वाले उस आइकन पर क्लिक करेंगे तो उसमें एक एप सेटिंग ऑप्शन मिलेगा। उस एप सेटिंग ऑप्शन के अंदर जब आप जाते हैं तो उसमें एक डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन मिलता है। जी हाँ, डिलीट अकाउंट। उसमें बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन बना हुआ था कि क्या इस डिलीट अकाउंट बटन पर क्लिक करके क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या हमारी फाउंडरशिप अगर हम इसको डिलीट बटन पर क्लिक कर देते हैं या गलती से हो भी जाता है तो क्या होगा, हमारी फाउंडरशिप पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी, या हमारा जो ओईएस एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, या हमारा जो ओ कनेक्ट हमने अगर परचेस कर लिया है वो भी चला जाएगा, क्या होगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के बीच में बना हुआ था, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और इसको काफी लंबा समय भी हो गया। और इसका आंसर मैंने क्यों नहीं दिया था, इसका रीजन ये था क्योंकि मैंने सपोर्ट टीम को ये सारे के सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे कि इस डिलीट अकाउंट पर बटन पर क्लिक करने से क्या होगा, तो उनका आंसर मेरे पास आया। और उस समरी को पढ़ने के बाद मैं पूरी तरीके से यहां पर क्लियर हो चुका हूं कि इस अकाउंट पर, इस डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने से क्या होने वाला है। जी हां, इस डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने से क्या होने वाला है। दूसरी चीज, अगर आप यहां पर गलती से क्लिक कर भी देते हैं, जैसे कि आज मैंने गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के क्लिक किया था, और जानबूझ के क्लिक करने के बाद वहां पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया जो मुझे मैसेज मिला, तो वो मैसेज भी जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में जो है पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि इस डिलीट अकाउंट पर एक्चुअल में क्लिक करने पर जो है क्या होने वाला है, और आप पूरी तरीके से सेफ हैं या नहीं है। सो वीडियो में जो है शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंगोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है इस डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने से पहले, और इस डिलीट अकाउंट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके ऊपर जो है क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले अपना इकोसिस्टम अकाउंट चेक करें कि उसमें फाउंडिंग मेंबरशिप में आप हैं या नहीं है, कहीं आप कस्टमर के रूप में तो ज्वाइन नहीं हो गए हैं, इस बात को भी चेक करना जरूरी है। क्योंकि हम एक फाउंडिंग मेंबरशिप के रूप में हैं और हमें यही सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूजन सता रही है कि इस डिलीट अकाउंट के बटन पर क्लिक करने से क्या होगा। जी हाँ, क्या होने वाला है। दूसरा पॉइंट ये है, आपने अपना ओ कनेक्ट सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं किया है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कर लिया है वो तो आपको पहले से पता ही होगा कि हाँ हमने परचेज कर लिया है, और अगर आपने परचेज नहीं किया है तो वो भी आपको पता होगा। और कुछ लोगों के यहां पर पेमेंट पहले से ही कर चुके हैं और उनका ओ कनेक्ट अभी भी उनके इकोसिस्टम में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपने कम से कम पेमेंट तो कर ही दिया है ना। ओके, तो आपको क्या करना है, डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने से क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी आपको पता चल जाएगा अभी। इसके बाद ये भी चेक करना है कि आपने अपना उस ओईएस अकाउंट के अंदर कुछ रिवेन्यू आपने अर्न कर लिया है या नहीं किया है। ध्यान देना, आपने उस ओईएस अकाउंट के अंदर कुछ रिवेन्यू अर्न कर लिया है या नहीं कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिवेन्यू अर्न हो चुके हैं उसके अंदर। नेक्स्ट, यदि आपने ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लिया है, आप फिर से सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे यदि आपने इस डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो पहला आंसर तो आपको मिल गया। ओके, पहला आंसर पूरी तरीके से हम सब लोगों को मिल चुका है, यदि हमने उस ओ कनेक्ट के ओईएस के डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर दिया और हमने अपना ओ कनेक्ट पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है, हमारे ओईएस के अंदर है, तो वो हमारा ओ कनेक्ट चला जाएगा। क्लियर हो चुका है, ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, ओ कनेक्ट वहां से चला जाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों को पहली चीज तो ये समझनी है कि छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपका ओ कनेक्ट बराबर बना, अगर आपका गलती से भी क्लिक हो भी जाता है, ओके गलती से भी क्लिक हो भी जाता है तो आपको फिर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर से पैसा भरना पड़ेगा, तो ये ऐसी गलती हम क्यों करेंगे, भूल के भी नहीं करनी है। इसके बाद यदि आपने इस डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो आप अपना ओमेल एड्रेस जो आपने बनाया था, यानी कि जो पूरा इकोसिस्टम आपने बनाया था, वो आपका पूरा इकोसिस्टम परमानेंटली वहां से डिलीट हो जाएगा। जी हाँ, परमानेंटली वहां से डिलीट हो जाएगा,
और इससे पहले मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आपका उस ओईएस के अंदर जो ओमेल आई मीन अपना जो ओ कनेक्ट है वो आपने जो परचेस किया है वो भी वहां से चला जाएगा, और इसलिए आपको अगर दोबारा ओमेल बनाने की जरूरत पड़ेगी भी तो 24 घंटे बाद आपको मौका मिलेगा, 24 घंटे के बाद आप बना सकते हैं नया ओमेल। तो यहां पर इस अकाउंट को डिलीट करने से आपकी फाउंडिंग मेंबरशिप पर जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है, अगर गलती से भी किसी के साथ गलती हो भी जाती है तो जो हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप है यानी कि हमारा जो बैक ऑफिस है वो डिलीट नहीं होगा, वो हमारा ज्यों का त्यों बना रहेगा क्योंकि उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर आप दोबारा फिर से अपना ओईएस क्रिएट करना चाहेंगे तो आप अपना वही अपने बैक ऑफिस में जा करके नेविगेट टू ओईएस पे क्लिक करके और उसी सारी प्रोसेस को फॉलो करके आप नया ओमेल आप बना सकते हैं, एज ए फाउंडिंग मेंबरशिप के रूप में नया ओमेल बना पाएंगे। लेकिन यहां पे हमें ऐसी गलती क्यों करनी है? जी हाँ, तो यहां पे दो तीन चीजें कंफ्यूजन जो पैदा कर रही थी वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, दूर हो चुकी है। हमारा इस डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने से हमारा ओईएस परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, नंबर टू हमारा जो ओ कनेक्ट है जो हमने परचेस किया हुआ है वो भी हमारा डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमारे फाउंडिंग मेंबरशिप पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लास्ट में टेक्निकल सपोर्ट ने हमें एक सलाह और भी दी है, यदि आपके इकोसिस्टम में सब कुछ सही है, ओ कनेक्ट आपने परचेस कर लिया है, उसमें कुछ रेवेन्यू भी आपने अर्न कर लिया है, उसमें कुछ आपने डॉलर्स ओ कॉइन भी अर्न कर लिए हैं, तो हमारी जो सपोर्ट टीम है उन्होंने ये सलाह दी है कि आप जो है इसी अकाउंट के साथ ही आगे बढ़े, इसी अकाउंट के साथ ही आप बने रहे, आपको इस पे कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक चीज ये आती है कि फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं, जी हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि यहां पे एज ए कस्टमर के रूप में यहां पर आ रहे हैं, और जब एज ए कस्टमर के रूप में यहां पर आएंगे तो अगर उनसे किसी भी टाइप की कोई भी गलती हो जाती है तो ये ऑप्शन उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपने अभी तक अपना ओ कनेक्ट परचेस नहीं किया है और आपसे गलती से इस अकाउंट पर क्लिक हो जाता है, अकाउंट पर क्लिक हो जाता है, आपने ना तो कोई ओ कनेक्ट परचेस किया है ना ही आपने कोई यूजर बनाया है, यानी कि आपका जो ओमेल है वो भी आपका सेम टू सेम है, अब डिलीट हो जाता है, आपका ओमेल है जो आपका डिलीट हो जाता है, लेकिन आपने किया कुछ नहीं है उसमें। लेकिन हाँ, एक चीज तो ऑलरेडी हुई होगी, वो क्या है, हमारे जो $97 रिटर्न आ चुके हैं वो तो आए होंगे ना, वो भी हमारे चले जाएंगे अगर हमारे इस डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर दिया तो ये भी हमारे चले जाएंगे। तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं एक खतरा है, इसलिए इस खतरे से जो दूर रहना है और इस डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पर हमें क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है। सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब यहां पर मैंने जो एक स्क्रीनशॉट लिया था वो मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है दिखा देता हूं। यहां पे स्क्रीनशॉट क्या है वो, और वो स्क्रीनशॉट है आपका कहां चला गया, इसमें लिखा हुआ है डिलीट अकाउंट पर जैसे मैंने क्लिक किया था, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस अकाउंट, क्या आप इस डिलीट अकाउंट को इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है कि बाय कंटिन्यू योर अकाउंट विल गेट डिलीटेड परमानेंटली। आप जैसे ही कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका डिलीट अकाउंट आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहां पर एक ओटीपी डालने का ऑप्शन भी आया है जो आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर जाएगा, वहां पर जैसे ही आप इसमें ओटीपी डालेंगे तभी यहां पर आप अपने अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी है और उसमें लगभग 200 सेकंड का टाइम भी चलता रहता है। जी हाँ, 200 सेकंड का या 180 सेकंड का टाइम भी चलता रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। सो यहां पर आपको अगला ओमेल 24 घंटे के बाद ही बनाने का मौका मिलेगा। सो आई थिंक हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इकोसिस्टम के अंदर जो कुछ भी हमने काम किया है उस पर पूरा फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको इस अकाउंट डिलीट अकाउंट से आपको क्या करना है, दूर रहना है, इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूं, पूरी तरीके से संतुष्ट हूं, और आई थिंक आप भी अब पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुके होंगे कि इस डिलीट अकाउंट का एक्चुअल में काम क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो है बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, बस
तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। वी आर सोनेट टू विन इट।